अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ सीएसएस का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका आप टेस्ट जो है आप अपेयर हो सकते हैं, सीएसएस एस्पिरेंट जिसको हम बोलते हैं उसमें आप अपेयर हो सकते हैं अगर आप कॉम्पिटेंट हैं। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देख लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको जो है उसके लिए क्या मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 ईयर से 30 तक मैक्सिमम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। कैंडिडेट शुड बी कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो गया, बिलोंग टू रिकॉग्नाइज ट्राइब्स मतलब ट्राइबल एरिया जो फाटा वगैरह था, इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित के हो गए डिसेबल पर्सनस को भी, और फिर सर्विस जो कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में आर्मी और इस तरह से अदर जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है इस हवाले से। फिर बात है एजुकेशन की, मतलब क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न ग्रेड सी बैचलर डिग्री पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज बाय एचएससी से आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए डिग्री। अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन थर्ड डिवीज़न मतलब जो डी होते हैं हिज हर बैचलर डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन इन केस वेयर ही शी ऑब्टेन हायर डिग्री इन मास्टर, मतलब ये हायर डिवीज़न आपने अगर मास्टर में ऑब्टेन किए तो तब आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है। फिर नेशनलिटी ओबियसली ये पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानी और इस तरह से जम्मू AGK जो जम्मू कश्मीर है वो कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। डोमिसाइल है पूरे पाकिस्तान से जो मतलब डिफरेंट सिटीज़ वगैरह हो गए प्रोवेंस हो गए उसके जहाँ से भी आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग CSS की तैयारी करें तो हमारे साथ CSS क्वालिफाइड स्टाफ है, आप लोग जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और ये एक बहुत अच्छा कैरियर है, मतलब इसको आप क्वालिफाई करके जो है पाकिस्तान में डायरेक्ट 17 स्केल पर वो भी बग़ैर किसी सिफारिश के, क्योंकि आप अपने मतलब अपनी मेहनत करके इस टेस्ट वगैरह को आप क्वालिफाई करते हैं, आप डायरेक्ट जो है कमिश्नर भी लग सकते हैं, मतलब डिफरेंट इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। इंशाल्लाह मैं इस हवाले से एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, और आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने बैचलर की और आप जॉब लेस हैं या कोई आम जॉब कर रहे हैं तो आप के लिए अच्छा ऑप्शन यही है कि आप CSS के लिए अपनी तैयारी करें। और इसके लिए देखें एक चीज़ ये भी है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप कहें कि भाई 3 मंथ्स में फुल कवर होता है, 6 मंथ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कमिटेड हैं। 3 मंथ्स में भी पॉसिबल है, आपकी जॉब अगर आप कर रहे हैं उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ना फिर CSS की आपने तैयारी करनी है, तो मतलब कहने का ये है कि इसके लिए आपने अच्छी मेहनत करनी है, क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स, तो ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी। तो अगर आप लोग, मैंने बता दिया कि आप लोग अगर CSS क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसकी आप ट्रेनिंग पेड हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो हेड ऑफिस है यहाँ पे पेशावर में है, तो आप लोग हमारी जो है अकेडमी भी विज़िट कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।